स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में प्रभु राम के भव्य महल में विराजमान होने के बाद राम भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। जहां राम भक्तों को प्रभु राम के दर्शन पूजन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट लगातार प्रयास कर रहा है। इस बीच राम भक्तों के दर्शन करने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने नई व्यवस्थाएं बनाई है। जहाँ दरअसल 23 जनवरी को 5 लाख राम भक्त रामलीला के दर्शन के लिए उमड़े थे। इसे देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर में कैंप करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दर्शन पूजन कराने के लिए मास्टर प्लान बनाया था। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट और योगी सरकार ने दर्शन मार्ग पर एक फास्ट ट्रैक लाइन बनाई गई है। और अगर आप प्रभु राम के दर्शन पूजन करने जा रहे हैं, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है, तो आप सीधे रामलीला के दरबार पहुंच सकते हैं। जी हां, जानिए खबर विस्तार से। बता दें कि फास्ट ट्रैक रास्ते से आपको राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश कराया जाएगा। इससे सीधे चेकिंग बिंदु होते हुए राम जन्मभूमि परिसर में एंट्री होगी। इससे न सिर्फ रामलीला के दर्शन जल्दी होंगे बल्कि लगभग 20 से 25 मिनट का समय बच जाएगा। आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक फास्ट ट्रैक लाइन बनाई गई है, जिसमें बिना किसी सामान और जूता चप्पल के आने वाले श्रद्धालुओं को लगभग 20 से 25 मिनट का समय तो बचेगा ही और सीधे राम जन्मभूमि परिसर में जा सकेंगे। साथ ही बताया कि भक्तों को फास्ट ट्रैक लाइन के जरिए चेकिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाएगा, जहां से सीधे राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे। दरअसल भगवान राम लला के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए सामान के साथ साथ कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध है, जैसे कि मोबाइल फोन, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पान, बीड़ी, गुटखा और तंबाकू के साथ साथ दवाओं पर भी प्रतिबंध है। राम जन्मभूमि परिसर में केवल तन, मन और धन लेकर ही जा सकते हैं। इसके कारण श्रद्धालुओं को सामान जमा करने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। राम मंदिर ट्रस्ट के सुविधा से अयोध्या आने वाले राम भक्त भी उत्साहित हैं और व्यवस्थाओं को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की प्रशंसा कर रहे हैं। नई व्यवस्थाओं की संत समाज भी प्रशंसा कर रहा है। फास्ट ट्रैक लाइन के जरिए श्रद्धालुओं का समय तो बच रहा है, साथ ही प्रभु राम का आसानी से दर्शन पूजन भी हो रहा है। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बन रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ एमपी पर। शुक्रिया।